जनपद रायबरेली के सालौन में नगर पंचायत द्वारा नालियों की सफाई न करवाने के कारण नालियों में जमा हो रहा है कूड़ा और नालियों में कूड़ा जमा होने के कारण नाली का पानी रोड पर जमा हो रहा है। इसकी शिकायत नगर पंचायत में करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं नाली की सफाई न होने के कारण नाली का जो पानी रोड पर आता है उसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियाँ होती है। वहीं जिन लोगों को बैंक के अंदर जाना होता है वह नाली के पानी से होकर अंदर जाते हैं। इतनी गंदगी होने के बाद भी नगर पंचायत के लोगों को जरा भी शर्म न आए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट, सालौन रायबरेली। जनपद लखीमपुर में रमीहा बिहड़ में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, एक पक्ष गंभीर रूप से घायल। आपको बता दें कि निघासन कोतवाली क्षेत्र के गांव कटरियन पुरवा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, वहीं जमकर चले लाठी डंडे। एक पक्ष सुशील एसओ, वहीं एक पक्ष सुशील पुत्र श्री प्रताप सिंह एवं लक्ष्मी पुत्र श्री सुशील गंभीर रूप से घायल। वहीं सूचना के बाद पुलिस डायल 100 ने घायलों को सदर CHC रमीहा बिहड़ भर्ती कराया, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। इंडिया न्यूज के लिए अमित अवस्थी की रिपोर्ट, लखीमपुर। जनपद शाहजहांपुर में नामांकन के चलते कलेक्ट्रेट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, वहीं पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया तथा सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी अमरचंद जौहर ने सबसे पहले खिरनी बाग रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। उसके बाद दोपहर 2 बजे पूर्व राज्य मंत्री राम मूर्ति वर्मा व सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान हजारों समर्थकों की भीड़ के साथ नामांकन कराने कलेक्ट्रेट पहुँचे। साथ ही यहाँ उनके समर्थकों को कलेक्ट्रेट गेट के बाहर ही रोक दिया गया। उनके साथ सिर्फ 4 लोगों को ही अंदर जाने दिया। इसमें पूर्व मंत्री राम मूर्ति वर्मा व सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान शामिल रहे। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए लोकसभा गठबंधन प्रत्याशी अमरचंद जौहर ने कहा कि वो जनता के हित के लिए कार्य करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में 5 सालों से कोई कार्य नहीं कराया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट है, परंतु अखिलेश यादव व बहन मायावती के द्वारा कराए गए कार्यों से जनता बेहद खुश है, इसीलिए जीत सपा बसपा गठबंधन की योग। प्रधानमंत्री ने जुमलेबाजी कर लंबी लंबी फेंक कर लंबी लंबी छोड़ कर 5 साल हमारे देश पर शासन किया, हमारे देश को बहुत ही पिछले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसकी जवाबदेही भी अब भारतीय जनता पार्टी को देनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे भूभाग में पृथक बहुमत की सरकार है। ये कहते थे कि मेरी सरकार नहीं है, मेरे पास बहुमत नहीं है, इनकी जुमलेबाजी में आकर इनको बहुमत दे दिया। किसानों का न्याय मिले, गरीबों को न्याय मिले, व्यापारियों को न्याय मिले और नौजवानों को न्याय मिले, ये हमारा गठबंधन का मुख्य मुद्दा है। आप तो चिलानसान हमारा हाथी है, क्योंकि गठबंधन यहाँ जो गठबंधन। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए कैमरामैन तफशीर अहमद इदरीसी के साथ मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट, शाहजहांपुर। जनपद महोबा में असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़। आपको बता दें कि जिला पुलिस अधीक्षक स्वामीनाथन के निर्देश में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में कबरई थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में कबरई में असलहा फैक्ट्री पकड़ी गई, जिसमें प्रदीप विश्वकर्मा पुत्र दयाराम विश्वकर्मा को अवैध शस्त्र बनाते हुए पहरा ग्राम कबरई से पकड़ा गया। साथ ही भारी मात्रा में बने अधबने असलहे बरामद। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर असलहों की बड़ी खपत। पुलिस को सफलता हासिल हुई है। आज दिनांक 3/4/2019 को थाना कबरई पुलिस व स्वाट टीम महोबा के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई। प्रदीप विश्वकर्मा सनाब दयाराम विश्वकर्मा पहरा गांव का रहने वाला है, जिसके पास से 2 बने हुए निर्मित तमंचे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा बुंदेलखंड।